की कितनी बड़ी कृपा कि आज हमारी बहन नेहा और गोपाल जी का भी विवाह आज के ही दिन हुआ है। आज उनकी शादी की सालगिरह है, इसलिए हमारी बेटी नेहा और गोपाल दोनों आए। ये संयोग है कि रुक्मिणी विवाह के दिन ही इनका भी पाणिग्रहण हुआ। कहां गई, क्यों छोड़ दिया? और आप ठाकुर जी का दर्शन करें, रुक्मिणी महारानी पहचान गई भगवान को। जैसा नारद जी ने बताया था कि भगवान ऐसे हैं ऐसे हैं, रुक्मिणी महारानी आज पहली बार देखा, ठाकुर जी को पहचान गई। नारद जी की बात को याद किया कि मेरे गुरु ने पहले बता दिया था कि तुम्हारा विवाह श्याम सुंदर के साथ होगा, और आज भगवान रुक्मिणी को लेने के लिए जब आए हैं, रुक्मिणी महारानी प्रेम से भगवान के गले में जयमाला डाल रही हैं। आप लोग ताली बजा करके बड़ा प्यारा सा गीत सुनेंगे आप विवाह का, और फिर इसके बाद भगवान का। यहाँ पर भगवान विराज रहे हैं अपने आसन में, और अब हमारे मुख्य यजमान के द्वारा लड्डू गोपाल स्वामी का और तुलसी मैया के साथ मंगलमय विवाह होगा, और विवाह की सारी क्रिया को विधि का ध्यान देते हुए हम लोग करेंगे। आए भगवान का मंगलमय विवाह करें। मंगलम भगवान विष्णु, भगवान को आसन में बिठाएं। मंगलाय तनो हरि। और ये जो व्यास गादी से हम भगवान को निछावर कर रहे हैं, ये सभी निछावरों का प्रसाद आप तक पहुंचेगा, मिलेगा। भगवान का मंगल में पाणि ग्रहण हो गया, लेकिन हमारी इच्छा है व्यास गादी की कि हमारी बेटी नेहा, जिसके प्रयास से आज इतने लोगों का दर्शन हो रहा है, गोपाल भैया और नेहा दोनों के हाथ में माला दे और उनका भी आनंद लीजिए। अब देखते हैं कि इनको याद है कि भूल गया है, कौन पहले माला पहनाएगा। ताली बजा। भगवान इस जोड़ा को सलामत रखें। बहुत बहुत आयुष्य, बहुत बहुत मंगल, बहुत बहुत बधाई। अरे कितना प्यारा।